नमस्ते, आज मैं ब्रोकली बनाने का सही तरीका बता रही हूँ। आलू को हमने सबसे पहले फ्राई करेंगे। थोड़ा ज्यादा हरा चम्मच, धनिया पाउडर 2 चम्मच, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर को पीसा हुआ पाउडर। इस पाउडर को हमने जो लिया है उसको पेस्ट बना लेंगे। गर्म हो चुका था, मैंने ब्रोकली रख दी और इसको फ्राई कर लिया। 2-2 मिनट पर ब्रोकली को जो हमने रखा है उसको पलट कर, ब्रोकली को मैंने भून ली हूँ और इसको निकालूंगी। मटर को हमने भून रहे हैं, मटर को हमने भून ली हूँ, इसको ज़्यादा भूनना नहीं है तो फटने लगेगा। सूखा मिर्ची 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, ये 5 फोड़न है, सौंफ, जीरा, मंगरेला, मेथी सबका मिला हुआ, अजवाइन सबका 5 रंग का मिला हुआ है। 5 फोड़न ब्राउन हो चुका है। अब अदरक लहसुन कटी हुई इसको हम साइड में, हरी मिर्ची इसको भी भूनेंगे, कच्ची वाली कटी हुई। मेरा अदरक लहसुन कटी हुई भूनी थी, अच्छा से भून चुका है, हल्का ब्राउन हो चुका है, मिर्ची भी हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं प्याज को भी, प्याज मेरा हल्का मरक चुका है, अब मैं इसमें कसूरी मेथी डालूंगी, मिरी पाउडर कलर के लिए। अब इसमें हम मसाला का घोल जो बनाई थी वो ऐड करेंगे। पेस्ट वाला पानी थोड़ा सा डाल के इसको भूनूंगी। एकदम हलवाई के तरह टेस्टी मेरा सब्जी ब्रो। शिमला मिर्च डालूंगी, टमाटर ऐड कर दी हूँ इसमें और इसको भी भूनूंगी। स्वाद अनुसार नमक, मसाला भूनकर तैयार हो गया और आलू डाल रही हूँ मैं, अब ब्रोकली और मटर डालूंगी। मिलाऊंगी अच्छे से, बहुत ही टेस्टी बनता है ब्रोकली का सब्जी, आप जरूर बनाइएगा घर में।
इसको दो दो मिनट पर चलाती रहूंगी, पलट पलट कर देखती रहूंगी। पानी अपने स्वच्छता अनुसार। मेरा ब्रोकली का सब्जी बनके तैयार हो गया है। इसमें कैच मसाला डालूंगी। मसाला हमने डाल दिया है, अब इसमें धनिया पत्ता डालूंगी। ब्रोकली का सब्जी बनके तैयार हो चुका है, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे को शेयर करें। याद से देख लेने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें जो